दोस्तों ये टाटा की एस गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा यूज होती। देखिए इसमें बहुत ज्यादा मतलब लोड है, फिर भी बहुत अच्छे से घाट हो, पहाड़ हो या फिर चल दूरी तय करना हो, बहुत अच्छे से दूरी तय करती है। टाटा की एस जो है देखिए शानदार पिकअप होती है ये। इसमें 18 से 20 क्विंटल के आसपास जो है लोड है अभी, लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए घाट में हम लोग दिखा रहे हैं आपको, घाट है फिर भी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। इधर देखिए, दिखा दीजिए पीछे, मतलब घाट हो, पहाड़ हो, लॉन्ग टूर हो, टाटा की एस जो पिकअप होती है ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल किंग है। बहुत बढ़िया शानदार पिकअप होती है टाटा एस। अब हम जो है ड्राइवर हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे कि कितना अभी इसमें लोड है। बताइए सर कितना लोड है अभी इसमें? समथिंग तो 20 के आसपास है, पर कंफर्म है कि 19 क्विंटल है ना अपने पास। हाँ, ये इतना डेली का काम रहता है आपका टाटा एस गाड़ी कैसे रहता है? क्या अपना 15 क्विंटल तो डेली का काम है, कभी 19 भी करते हैं, आ गया तो 2 टन भी खींचती है गाड़ी। अच्छा, और इस गाड़ी के बारे में बताओ थोड़ा कि ट्रांसपोर्ट में कैसा रहता है? अगर कोई लेना चाहता है टाटा एस तो वो ले कि ना ले, उसके मन में डाउट रहता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। कमर्शियल यूज के लाने तो ये बहुत शानदार गाड़ी है। हाँ, पर बट ये है कि चलाने चलाने से होता है ना। कैसे चलाने चलाने से? जैसे कुछ ड्राइवर लोग क्या समझ नहीं पाते, घाटों में मौसम बनाते बनाते तोड़ के और गाड़ी बैक हो जाती है, और ये चलाने से मौसम गाड़ी की टूटनी नहीं चाहिए। यदि गाड़ी की मौसम तोड़े मतलब गाड़ी बैक मारेगी। और यही बस गाड़ी नहीं, सारी गाड़ी यही होती है। आप टू व्हीलर से लेके ट्रक तक चले जाइए, अब आपको मौसम नहीं तोड़ना है, तो इसलिए आप अपने गाड़ियों को ध्यान दीजिए, बहुत कायदे से मौसम न टूटे और आप घाट आराम से निकाल सकते हैं। हाइट के बारे में पूछ। हाँ, और इसका हाइट कहाँ तक लोड कर सकते हैं? जितना बॉडी का एंगल होता है उससे ऊपर किए हो आप थोड़ा? वो क्या है, अपने हिसाब से आप लोड कर सकते हैं। गाड़ियाँ, हर गाड़ियाँ लूम मारती है, अब ड्राइवर के ऊपर कंट्रोल करने का क्षमता होनी चाहिए। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ऊपर आप हाइट लोड कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी कितना किलोमीटर मतलब चला के आए इतना लोड में आप अभी? समथिंग मैं 250 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ अभी। 250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, और लॉन्ग टूर हो, खिंचाई हो, मतलब फिर कोई समस्या नहीं जाती? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, हमने यह वीडियो में दिखाया कि देखिए लॉन्ग टूर हो, खिंचाई हो, घाट हो, पहाड़ हो, फिर भी टाटा एस जो पिकअप है बहुत शानदार मतलब परफॉर्मेंस रहता है। चाहे जितना 7.5 क्विंटल के आसपास इसका पासिंग होता है, लेकिन फिर भी 18 से 20 क्विंटल के आसपास अभी लोड है, फिर भी बहुत बढ़िया शानदार चल के आई है, 250 किलोमीटर चल के आई है। तो यह वीडियो में हमारा उद्देश्य यही है दिखाने का कि अगर आप टाटा एस पिकअप लेने के सोच रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, बहुत शानदार पिकअप होती है टाटा एस, लो मेंटेनेंस और ज़्यादा मतलब माइलेज रहती है और जो पिकअप आ रही हैं उनके कंपैरिजन में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह वीडियो का आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना, और यह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।